हाई प्रोटीन नूडल्स की स्वीट मीठी रेसिपी। हाय एवरीवन, मैं विशाल और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एक हाई प्रोटीन नूडल्स की रेसिपी जो कि दूध से बनाई हुई है। दूध से नूडल्स भी बनाए जा सकते हो, पर वो दूध होना कौन सा चाहिए। जो गाय अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसका पहला दूध से रेसिपी बनती है। एकदम हाई प्रोटीन इस रेसिपी में 30 ग्राम प्रोटीन है और आपकी मसल्स के लिए बहुत अच्छे है। अगर आपका गोल वेट गेन है, मसल बिल्डिंग है या फिर फैट लॉस है, दोनों के लिए चीज बहुत अच्छी है। दोनों तरीके से आप कैसे खाओगे इस रेसिपी को मैं रेसिपी में बता दूंगा। तो चलिए रेसिपी को देखते हैं। बहुत डिलीशियस नूडल्स है। इस नूडल्स की रेसिपी को बनाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको सिंपल दूध नहीं चाहिए। जो गाय पहला वाला दूध देती है वो दूध यहाँ पर चाहिए। और ये मैंने यहाँ पे 4-5 लीटर का पतीला लिया है, उसके नीचे पानी डाल कर रखा है। और पानी के ऊपर चाहो तो आप जाली रख सकते हो, पर मैंने नहीं रखी थी। और उसके ऊपर एक कुकर के बड़े बड़े डब्बे रखने हैं और इन डब्बों में हमें दूध भर कर रखना है। दूध अप्रोक्सीमेटली ले लिया है क्योंकि फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए था, तो पर रेसिपी में इतना सारा यूज़ नहीं किया है तो ये ज़्यादा वाला दिखा रहा हूँ मैं। और अब इन रखने के बाद हम गैस को कर देंगे ऑन, और गैस को मीडियम फ्लेम पर ही इसको पकाना है। ज़्यादा मत पकाना, नहीं तो नीचे का पानी ऊपर डब्बे में भर जाएगा। और इनको अब हमें एक लीड से कवर कर देना है ताकि जो स्टीम बने उससे ये दूध पक जाए। और ये दूध पकने की निशानी ये है कि ये जम जाता है। देखिए ये यहाँ पर जम चुका है और आप उसको टच करोगे तो हाथ पे नहीं चिपकेगा, तो यही उसकी निशानी है। और ये होने के बाद हमको इसको काट कर रखना है, क्यूब काटना है इसके। और इस बात का ध्यान दीजिए कि ये कड़ा होता है और बहुत अच्छा होता है। नरम मत रखना इसको, आधा अधूरा मत पकाना। इन क्यूब्स को काट कर सेपरेट कर लीजिए और इन क्यूब्स को हमें कद्दूकस करना है नूडल्स जैसी शेप के लिए। तो मैं यहाँ पे 200 ग्राम के ले रहा हूँ क्यूब्स। और ये बटर जैसे दिखते हैं, जो कि अच्छा खासा क्वालिटी का जो बटर होता है उसके जैसे दिखते हैं, पर इसमें फैट नहीं होता है, ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा होता है। और इसको मैं अभी नाप ले रहा हूँ, 200 ग्राम ये क्यूब्स लेने हैं। और 200 ग्राम मतलब कि इनमें 200 ग्राम ही कैलोरीज होती है, इस बात का ध्यान दीजिए। और प्रोटीन इसमें 30 ग्राम होता है। और सेकेंड इन्ग्रीडियंट हमारा ये यहाँ पर मैं बूरा ले रहा हूँ। आप चाहो तो स्टीविया डाल सकते हो, अगर आप फैट लॉस के गोल से बना रहे हो तो आप इसमें स्टीविया डालेंगे। अगर मसल बिल्डिंग के गोल से बना रहे हो तो आप इसमें बूरा जागरी डाल सकते हो। पर मैंने यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन बना कर लिया है, पर आपकी चॉइस है, आपको जो पसंद आता है वो कीजिए आप। और यह इस क्यूब्स को हमें अब कद्दूकस कर लेना है, तो ये कद्दूकस करने वाली चीज़ मैंने यहाँ पर ले ली है और इसको अब मैं कद्दूकस कर ले रहा हूँ। और कद्दूकस करते टाइम ध्यान दीजिए कि लंबे लंबे पीसेस रखिए ताकि ये नूडल्स जैसा शेप आए। अगर आप इसके बहुत छोटे छोटे क्यूब्स काटेंगे तो ये बहुत छोटे छोटे नूडल्स जैसा आएगा, तो आपको इसको नूडल्स शेप का बनाना है। तो आप लंबे लंबे बनाइए। और कद्दूकस करने के बाद आपको लेना है एक नॉन स्टिक का पैन। नॉर्मल पैन भी ले सकते हो, पर उसमें समटाइम्स चिपकने की शंका रहती है तो नॉर्मल पैन मत यूज कीजिए। और अब इसमें मैं डाल रहा हूँ ये कद्दूकस किया हुआ दूध, और इसको हमें अब बस चलाते रहना है और जब तक पकना जाए चलाते रहना है। तो इसको डालने के बाद आपको जलने नहीं देना, ये जल जाता है, तो आपको इसको हिलाते रहना है, इस बात का ध्यान दीजिए। और इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सिनेमन पाउडर। आप चाहो तो इलायची फ्लेवर का भी बना सकते हो, पर सिनेमन आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए बहुत अच्छी होती है। उसके बाद मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे गुड़ और बूरा, दोनों का कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। और गुड़ और बूरा ये सिर्फ 50 ग्राम है और इनमें 200 कैलोरीज, दूध में 200 कैलोरीज, सिर्फ 400 कैलोरीज की ये डिश है। पर आप चाहो तो 200 में भी बना सकते हो। स्टीविया डालोगे तो स्टीविया में कोई कैलोरीज नहीं होती है और सिर्फ आपके बॉडी में प्रोटीन जाएगा और थोड़ा सा फैट जाएगा और थोड़ा सा ही कार्बोहाइड्रेट जाएगा जो कि दूध में लैक्टोज के रूप में होता है। तो ये हाई प्रोटीन की रेसिपी यहाँ पे बन चुकी है। उसको चलाते रहने के बाद आप 5-6-7 मिनट जितना चाहो आप चलाओ, क्योंकि दूध पहले ही पका था। तो रेसिपी आपको आए वो पसंद आई होगी बहुत।